हेलो एवरीवन, कुरुमजरी नमस्कार। मैं हूं लमगानबी और आज मैं बनाऊंगी सिंगजू, वो भी गारी यानी फर्मेंटेड फिश और वाई वाई नूडल्स के साथ में। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, सीधा बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैंने लिए है एक बड़ा सा स्पून, इसमें हल्का सा तेल डाल के इसको चिकना कर दिए हैं। उसके बाद ये सारे गारी को डाल के इसको रोस्ट कर लूँगी। फर्मेंटेड फिश को हम मणिपुर में गारी के नाम से बुलाते हैं और ये हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोग बहुत पसंद से खाते हैं। अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हैं तो ये अमेजोन में बड़े आसानी से मिल जाएंगे। और हाँ दोस्तों, पहले से बता दूँ, ये फिश है, ऊपर से फर्मेंटेड है तो इसका स्मेल जो है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग रहता है। गारी अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, इसको मैं एक बॉल पर निकाल रही हूँ। उसके बाद इसमें हल्का सा मैं पानी डालूंगी ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। ढक्कन लगा के साइड में थोड़ी देर रख देते हैं। तब तक मैंने ये पत्ता गोभी ले ली है, साथ में ये ड्राई युंगचाक है और ये नपाक भी है, मेथी का पत्ता है, थोड़ा सा धनिया पत्ता और ये वाई वाई नूडल्स, ये रेडी टू ईट नूडल्स है। और ये रोस्टेड गारी, रोस्टेड ड्राई रेड चिली, थोड़ा सा रोस्टेड चना दाल, एक ऑनियन और ये मेयांग व मतोन यानी बेसल लीव्स। और ये देखिए, सिंजू बनाने का सारा मचल अभी रेडी हो गए हैं। सबसे पहले तो ये जो ड्राई योंगचाक है इसको हम सॉफ्ट बनाएंगे। इसमें गर्म पानी डाल के 30 मिनट साइड में आप रख सकते हैं, या फिर हम इसे माइक्रोवेव में 5-6 मिनट बॉईल करने देंगे और 10 मिनट साइड में निकाल के ढक्कन लगा के रख देंगे। तब तक ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। इसके बाद हम ये सारे वेजिटेबल्स को छोटा छोटा कट करके रख देंगे। जितना हमसे छोटा हो पाते हैं उतना हम कट कट के रख देंगे। और हाँ दोस्तों, वेजिटेबल आप अपनी चॉइस के हिसाब से डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो और सिंजू के लिए सूटेबल वेजिटेबल हो वो सब डाल सकते हैं। अब सारे वेजिटेबल कट हो चुके हैं, इसको हम थोड़ी देर साइड में रख देंगे और ये जो चना दाल है इसको हम कूट के रेडी कर लेते हैं। अब इसको भी एक बाउल में निकाल के रख देते हैं। और ये रोस्टेड रेड चिली है, इसको भी हम कूट के रेडी कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 3 से 4 ड्राई रेड चिली ली है और साथ में एक घोस्ट पेपर भी ली है। थोड़ा सा नमक इसमें डाल के हम इसको अच्छे से कूट लेंगे और रेडी करके रखेंगे। ये वाई वाई नूडल्स है रेडी टू ईट वाला। इसको खोलने के पहले हम अच्छे से नूडल्स को हाथ से क्रश कर लेंगे। खोल लेते हैं। ये नूडल्स के साथ इसका अपना चिली और मसाला साथ में आते हैं और ये एक ऑनियन ऑयल भी है, ये देखिए। मैं यहाँ पे सिर्फ इसका मसाला और इसका जो चिली पाउडर है दोनों को डालूंगी। अब हम चलते हैं मिक्सिंग प्रोसेस में। ये जो गारी हमने रोस्ट करके रखे थे उसमें जो चिली हमने कूट के रखे थे उसको डाल देंगे पहले, और साथ में इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। ध्यान रहे, नमक हमने पहले भी डाला था और इसके जो मसाला है वाई वाई का उसमें भी नमक होता है। ये वाई वाई वाला चिली मैंने डाल दिया और ये वाई वाई वाला मसाला, सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
और ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब इस मिक्सर को सारे वेजिटेबल के साथ हम और दोबारा मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे योंगचाक जो हमने भिगो के रखे थे। और हाँ दोस्तों, जो हमने योंगचाक भिगो के रखे थे वो पानी अच्छे से निकाल ले पहले, उसके बाद ही योंगचाक को डालें। चलिए इसको भी हम ये जो कटा हुआ वेजिटेबल है इसके साथ मिक्स कर लेते हैं। दोबारा हल्के हाथ से हम इसको मिक्स करेंगे। अब इसमें डालेंगे ये कुटा हुआ चना दाल, साथ में ये नूडल्स भी डाल देंगे। गिर गया। चलो अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये बेसल लीव्स को डाल देंगे। मयांगमतोन, ये हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, अगर आपको मालूम है तो मुझे जरूर बताइएगा। और ये हमारी मिक्स वेजिटेबल सिंजू विद गारी जो है वो तैयार हो गए हैं। क्या मजेदार खुशबू के साथ मैं तैयार हूँ इसे खाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी में। तब तक के लिए बाय बाय।